थैंक यू मिस्टर स्पीकर. एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों से आ रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है अगेंस्ट टेररिज्म. ये यूएन के जो प्रिस्क्राइब ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बनी है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए. और क्या कहते, सर्टन ग्रुप्स हैव बीन ऑन द लिस्ट, वी आर मेंबर्स ऑफ द यूएन, सो वी आर पार्टी टू दिस डिसीजन. अब हमारा पाकिस्तान के खिलाफ वो मीटिंग होनी है 18 तारीख को इस महीने की पेरिस में. पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने, बरतानिया ने और अब फ्रांस और जर्मनी हैव एडेड देयर नेम्स. पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन उन्होंने दाखिल किया है कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लगाए जाए क्योंकि पाकिस्तान हैज नॉट टेकन प्रॉपर एक्शन. वन सेकंड, कैन एनी मिनिस्टर प्लीज नोट दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. देयर इज नो मिनिस्टर. वजीर साहिबान, पीरजादा साहब, काइंडली ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जो रेज हो रहा है. और आई वुड वॉन्ट के ये नोट करके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो खुद आके यहाँ जवाब दें, वरना कोई और सीनियर मिनिस्टर जो है उनके बिहाफ पे जवाब यहाँ आके दें. मिस्टर स्पीकर, प्रॉब्लम ही यही है कि इस हुकूमत की ये जो हमारे साथ होने वाला है 18 तारीख को जो ये रेजोल्यूशंस आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दिस इज़ अ टोटल फेलियर हमारी फॉरेन पॉलिसी का. हम अब तक दुनिया को ये नहीं बता सके कि यादव की जो अरेस्ट के बाद कि हिंदुस्तान टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान में कर रहा है. वी हैव नॉट कन्विंस द वर्ल्ड. इंडिया का नैरेटिव पूरी दुनिया ने खरीद लिया है. इंडिया का नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि हमारी हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है. दिस इज शेमफुल. हम यूएन के मेंबर्स हैं, हमने हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने ली नहीं. अब पैनिक में हमने एक्शंस कुछ लिए हैं विच आर इनकंक्लूसिव. लेकिन जो बड़ा फेलियर हमारी फॉरेन पॉलिसी का है वो ये है कि इतने देर से ये इशू चला आ रहा है और हम अपनी डिप्लोमेसी में नाकाम हुए हैं या हमने की नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत सिर्फ मुझे क्यों निकाला पे फोकस्ड है और फॉरेन पॉलिसी वो कोई कर नहीं रही है. और दूसरा इसका ये पॉइंट है, हमने उधर वीज़ाज ऑन अराइवल कर दिए फॉर फ्रेंडली कंट्रीज़ और वो फ्रेंडली कंट्रीज़ हमारे खिलाफ रेजोल्यूशंस डाल रही हैं. हम ये क्यों नहीं दुनिया को बता सकते कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग की है जो सीरिया में हालात हो गए, लेकिन हमारी कोई है ही नहीं कहीं डिप्लोमेसी. और पाकिस्तान के लिए इतना डैमेजिंग होगा 18 फरवरी को क्योंकि हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई. हिंदुस्तान का नैरेटिव हमने अलाउ किया है और मैं समझती हूँ कि द गवर्नमेंट शुड कम एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन. मिस्टर स्पीकर, मिस्टर स्पीकर, हेलो मिस्टर स्पीकर, द गवर्नमेंट शुड गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज टू व्हाई देयर हैज बीन अ टोटल फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी और व्हाई we have not been able to counter the Indian narrative against Pakistan on terror financing despite the sari jo revelations hui hai ya dev ke case mein. Thank you. Would any minister